अच्छा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर्ट्स काउंसिल मरीख पर जा रही है और वापस नहीं आ रही। इसमें मजे की बात यह है कि मरीख पर जा रहे हैं और वापस नहीं आ रहे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? हम वहाँ बहुत बड़ा फेस्टिवल करने जा रहे हैं, हम वहाँ बहुत बड़ा फेस्टिवल करने जा रहे हैं। इसमें म्यूजिक है, डांस है, अली जफर है, साहिर अली बग्गा है, साईं जहूर है, अली अजमत है, नाई सिद्दीकी है, अनवर मकसूद है, कौन है जो नहीं है? इसके अंदर सब है, हर आदमी इसमें आपको नजर आएगा। म्यूजिक फेस्टिवल, डांस फेस्टिवल, थिएटर फेस्टिवल, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, जिससे आपको सबको आगाही है। देखिए हमारे दुश्मन बहुत ज्यादा है ना, हमारे दुश्मन बहुत ज्यादा है। एक बहुत बड़ा अमरीकी साइंसदान है खालिद फरशोरी, वो कहता है कि मुल्क में इतनी महंगाई है तो आप ये अदब पर इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं? मैंने उसको अंग्रेजी में जवाब दिया, बल्कि मैं तो क्योंकि खुद शेक्सपियरियन अंग्रेजी जानता हूं ना यार, इसलिए मैंने उसे जवाब दिया है कि भले भूख से सब मर जाए, हम अदब को नहीं मरने देंगे, अदब को जिंदा रहना चाहिए। ये बात है सारी, देखे अदब जिंदा रहना चाहिए भले सब मर जाए भूख से। ये है इसका फेस्टिवल का असल मकसद, ये है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे दुश्मन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे दोस्त भी ऐसे हैं जो नादानिस्तगी में बजाय इसके कि इस मुल्क को मजबूत करें, इसको कमजोर कर रहे हैं। अच्छा अब्दुल्ला, डेविड हेजलहॉफ की सुनो, उसने मुझसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि इस फेस्टिवल में लाहौर का स्मोग कैसे खत्म होगा। अब देखिए ये सवाल वो मुझसे कर रहा है कि फेस्टिवल से लाहौर का स्मोग कैसे खत्म होगा, तो मैंने उसे कहा कि हम इस फेस्टिवल में शान का एक पूरा सेशन रख रहे हैं यार, इससे हम ये सारा स्मोग खत्म कर देंगे ना। 1500 टन बच गया तो हमारे पास इसका भी हल है, इसमें बुशरा अंसारी की पूरी फैमिली आ रही है यार, स्मोग खत्म हो जाएगा, और क्या चाहिए तुम्हें यार, पूरी फैमिली उनकी आ रही है, नूर अब्बास आ रही है, उससे नहीं खत्म होगा तो कैसे होगा? फिर इसमें शान का सेशन है, अली जफर का सेशन है, जो अहमद बशीर साहब जो थे इनका बड़ा ताल्लुक था, बुशरा अंसारी के पूरे कुंबे पर सेशन है, इफ्तिखार आरिफ का सेशन है, अमजद इस्लाम अमजद का सेशन है, सोहेल अजीजी का सेशन है, तावर साहब का सेशन है। फिर इसमें सबसे बड़ी बात, देखो सबसे बड़ी बात, इसमें सबसे बड़ी बात, दुनिया के बड़े बड़े जय्यद साहब आ रहे हैं, हामिद मीर, सोहेल वड़ाइच, नुसरत जावेद, आसमा शिराजी, वजात मसूद, तैयबुल वरा, मतलब यू नेम इट वाली बात है अब्दुल्ला, यू नेम इट वाली बात है। और दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिस्ट नाहिद सिद्दीकी का यहाँ रक्स है। शायर, अदीब, फनकार, कौन नहीं है? इफ्तिखार आरिफ, अमजद इस्लाम अमजद, सनम सईद, बाबा फरीद, बुल्ले शाह, गोएटे, नीटशे, कीट्स, शाह फरीद से गुलाम फरीद तक, बाबा फरीद से गुलाम फरीद, 8 सदियों का लिटरेचर है, दुनिया की किसी जबान के पास ऐसी शायरी नहीं है। इसमें म्यूजिक फेस्टिवल है यार, म्यूजिक फेस्टिवल है, डांस फेस्टिवल है, थिएटर फेस्टिवल है, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है। इसमें क्या होने जा रहा है मैं आपको बताऊं, इसमें क्या होने जा रहा है कि फेडरेशन मजबूत होने जा रही है यार, फेडरेशन मजबूत हो रही है। क्योंकि इसमें म्यूजिक है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके चैनल्स के जरिए सब तक पहुंचेगा, तो इसमें अली जफर है, साहिर अली बग्गा है, अली अजमत है, कराची से आसिम अजहर आ रहा है, नताशा बेग है, हमारे साईं जहूर हैं, उसके अलावा फजल जट, सारा फोक, सारे फोक डांसेस, ढोल तमाचे, फायरवर्क, वो भी सब कर रहे हैं। वो हमारा दोस्त है पंजाबी शायर है एनागोला हॉपकिन, एनागोला हॉपकिन का शेर है, मैं आपको सुनाता हूँ, पंजाबी का शेर है, जब से ओढ़ी है तेरे प्यार की अजरक मैंने, अब जो चाहूं भी तो पंजाब नहीं जा सकता। ये एनागोला हॉपकिन का शेर है। जब वो कराची शिफ्ट हो गया मीर साहब, तो उसका शेर है कि जब से ओढ़ी है तेरे प्यार की अजरक मैंने, अब जो चाहूं भी तो पंजाब नहीं जा सकता। अच्छा मैं तो आपको इकबाल का शेर सुनाता हूँ ना अब्दुल्ला, 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 छोटा सा शेर है, 20-25 मिनट लगेंगे, सुन लो यार, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं हम, वफादार नहीं तुम भी तो दिलदार नहीं। मैं तो इकबाल सुना रहा हूँ यार, मैं तो इकबाल सुना रहा हूँ, अब जो चाहूं भी तो पंजाब नहीं जा सकता। तो कहने की बात ये, देखो कहने की बात ये है कि ये सारा सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं, हम पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल को मरीख के बाद चांद पर लेकर जाएंगे, फिर सूरज पर जाएंगे, इसी तरह अतारुद पर ले जाएंगे, फिर मुश्तरी, प्लूटो, वेनस, यूरेनस, नेपच्यून, मतलब यू नेम इट ना। और 8 और 9 को वहीं से 6 घंटे की ड्राइव है, 8 और 9 जुलाई को हम टोरंटो में कर रहे हैं। नासिर काजमी का शेर है ना कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर, जिंदगी बड़ी है अभी। ये नासिर काजमी ने इसी मौके के लिए कहा है।
इसमें सारे काउंसलेट हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा फाइनली देखो, फाइनली मैं रिपीट कर देता हूं 10 11 12 फरवरी को लाहौर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, ठीक है। इसमें फवाद हसन फवाद की किताब की रूनमाई हो रही है। हामिद मीर ने इसका दिबाचा लिखा है, इसमें नाच है, गाना है, किश्ती है, बैडमिंटन है, कुश्ती है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है। इसमें शान का सेशन है, अली जफर का सेशन है, जो अहमद बशीर साहब जो थे इनका बड़ा ताल्लुक था, बुशरा अंसारी के पूरे कुंबे पर सेशन है, इफ्तिखार आरिफ का सेशन है, अमजद इस्लाम अमजद का सेशन है, सुहेल अजीजी का सेशन है, तावर साहब का सेशन है, अनवर मकसूद, जोरा निगाह, नाहिद सिद्दीकी, अमजद इस्लाम अमजद, अब्बास ताबिश, तारर साहब, किश्वर नाहिद, सोहेल अजीजी, ये सब लोग एक जगह जमा होंगे तो फेडरेशन मजबूत होगी ना यार। फेडरेशन मजबूत करने की बात कर रहा हूँ मैं तो। लाहौर के बाद हम गवादर जा रहे हैं ईरान के बॉर्डर के साथ, फिर हम मुजफ्फराबाद जा रहे हैं इंडिया के बॉर्डर के साथ, फिर हम गिलगित जा रहे हैं चाइना के बॉर्डर के साथ, फिर हम पिशावर जा रहे हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ, फिर हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, फिर हम कराची में करेंगे। अच्छा मैं अभी उस तरफ आऊंगा, मैं आता हूँ, तुम पहले मेरी ये बात सुनो। हाँ अच्छा नहीं, हाँ वो तो है जाहिर है। अच्छा आपको भी आना है, आपको मेरे साथ चलना है, गवादर में आप साथ जाएंगे, बाकी मिर्रीख वाले के लिए मैं दूसरी बात करूंगा आपसे, गवादर में आप दोनों को मेरे साथ जाना है, हुमा अब्दुल्ला दोनों आप मेरे साथ जाएंगे वहां। अच्छा नहीं नहीं सुनो तो, बात तो सुनो यार, मेरी बात तो सुनो पहले। हाँ छोटा सा शेर है, हाँ ये देखे ना आप कैसी कैसी खबरें चलाते रहते हैं, इससे लोगों के अंदर टेंशन पैदा होती है, टेंशन को खत्म करने के लिए हम ये सारा काम करते हैं ना यार। अब इसको लेके जा रहे हैं अमेरिका, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, चारों तरफ ये जाएगा, और अली जफर लेके जाएगा तो फिर क्या होगा उसमें, देखे ना आप, अली जफर जा रहा है, अली जफर जा रहा है, अनवर मकसूद ने ये कर दिया, देखे ना आप, अनवर मकसूद, अनवर भाई की सरबराई में यहाँ के शायर अदीब फनकार जा रहे हैं, यासिर हुसैन बैठा हुआ यहाँ, वो बैठा पीछे, वो भी जा रहा है, बुशरा अंसारी भी जा रहे हैं, इफ्तिखार आरिफ साहब भी जा रहे हैं, अनवर भाई भी जा रहे हैं, कुछ अब्बास ताबिश, इफ्तिखार आरिफ, साहिर अली बग्गा, और ये सब कुछ क्यों है? देखो मैं जाते जाते छोटी सी बात बता देता हूँ, ये सब कुछ हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं अब्दुल्ला, देखो हम ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, ये रोजगार के लिए हो रहा है सब। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ।